ज्यादातर लोगों को पता है कि आदि पुरुष 16 जून को रिलीज होने वाली है, पर कम से कम लोगों को पता है कि वो 3 दिन पहले मतलब 13 जून को ट्रेबिका फिल्म फेस्टिवल में रिलीज होने वाली है। तो ट्रेबिका फिल्म फेस्टिवल क्या होता है और हमारी बेइज्जती इंटरनेशनली कैसे हो सकती है उसके बारे में जानेंगे। सो वेल हेलो मेरे यारो, तो ट्रेबिका फिल्म फेस्टिवल साल में एक बार मनाया जाता है और ट्रेबिका प्रोडक्शन इसे ऑर्गेनाइज करता है। और ट्रेबिका फेस्टिवल न्यूयॉर्क के हर गर्मी में मनाया जाता है, जहाँ कई सारे फिल्म एपिसोडिक टॉक्स म्यूजिक गेम्स आर्ट और कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं। ट्रेबिका 2002 में रॉबर्ट जेन और हैडकॉफ ने फाउंड किया था, जहाँ ट्रेबिका फिल्म फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है और यहाँ पे 600 स्क्रीनिंग होती है, जिस स्क्रीनिंग में लगभग 1.5 लाख लोग आते हैं। और इसमें कई सारे अवार्ड्स है और इसमें 23 कॉम्पिटेटिव कैटेगरीज है, जहाँ 2003 में इस फेस्टिवल में 3 लाख लोग आए थे। अगर ट्रेबिका फिल्म फेस्टिवल में आदि पुरुष प्रीमियर की जाती है तो मुझे थोड़ा डाउट रहेगा, अगर गलती से भी ऐसा ना हो पर गलती से भी मूवी बेकार निकले तो हमारी बेइज्जती इंटरनेशनली होने वाली है। मैं ये सारी बातें टीजर के हिसाब से कह रहा हूँ, ट्रेलर देखने के बाद मेरा माइंड चेंज भी हो सकता है, पर अभी के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हमारी बेइज्जती इंटरनेशनली हो सकती है। आपको क्या लगता है आदि पुरुष ट्रेबिका फिल्म फेस्टिवल में कितने अवार्ड जीतेंगे मुझे कमेंट में बताओ, और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, टाटा।